ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आप सभी पर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। माता लक्ष्मी की कृपा से ही जीवन में सुख शांति का अनुभव हो पाता है। माता लक्ष्मी का दिन शुक्रवार माना गया है। हर व्यक्ति सुख समृद्धि चाहता है। बहुत लोग माँ का व्रत भी करते हैं, परंतु अगर आप धन की समस्याओं से गुजर रहे हैं तो आप भी ये अपना सकते हैं उपाय। माँ को इन पांच चीज़ों का भोग लगाकर माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। और इन उपायों से तो खीर और मिश्री, सफ़ेद रंग की चीज़ें और दूध से बनी चीज़ें महालक्ष्मी को प्रसन्न हैं। अगर आप मिश्री का भोग लगाते हैं तो माँ प्रसन्न होती हैं। और अगर आप संभव हो पाए तो वैश्य की कन्या को आप कुछ उपहार दें शुक्रवार के दिन, और कुछ खिलाएं, दक्षिणा दें, इससे भी लक्ष्मी की कृपा बनेगी। नंबर दो, मखाने का भोग कमल से निकलता है और कमल का फूल माँ का आसन भी है। और अगर आप मखाने का भोग लगाते हैं तो भी महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर तीन, बतासे का भोग, बतासा भी माँ लक्ष्मी को प्रिय होता है, तो आप महालक्ष्मी को बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। इसके साथ साथ महालक्ष्मी को आप मेवे का या आप मिष्ठान का भी भोग लगा सकते हैं। कमल का पुष्प भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 108 बार ओम श्री श्रीय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती संख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करने से महालक्ष्मी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। शुक्रवार के दिन गाय के घी का दीपक जलाएं, तुलसी के नीचे दीपक भी जला सकते हैं। और शुक्रवार के दिन ज़रूरतमंद लोगों को चावल इत्यादि का भी दान कर सकते हैं। तो अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो निश्चित ही महालक्ष्मी की कृपा होगी और आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। तो इन उपायों को अपनाएं, सुखी रहें और महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। शिशु प्रार्थना के साथ जय महालक्ष्मी।